आपने अपने लाइफ में झुनका भाकर तो बहुत जगह खाया होगा, पर आप आनंदी ताई का स्पेशल झुनका भाकर खा के सारे झुनका भाकर का टेस्ट भूल जाओगे। दोस्तों, यहाँ जिस तरह गर्मा गर्म झुनका भाकर साथ साथ बैंगन का भरता बनते रहता है और साथ साथ यहाँ लोगों की इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि आपको झुनका भाकर के लिए वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये झुनका भाकर के साथ साथ मिर्ची का ठेचा और बैंगन का भरता भी सर्व करते हैं। साथ ही यहाँ पर जिस तरह गर्मा गर्म भाकरी आपको खाने के लिए मिलेगी, उससे आपको मजा आएगा। दोस्तों, ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, आपको स्वाद आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो देखते रहिए वीडियो आप। हमारे स्पाइसी नागपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल बटन दबाइए। दोस्तों, रविनगर चौक नागपुर में आनंदी झुनका भाकर करके एक छोटा सा और बिल्कुल सुंदर सा कार्ट है। यहाँ पर दिन भर में 3 से 4 बार झुनका भाकर बनता है और लंच में यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। तो हमने दीदी से काफ़ी ढेर सारी बातें की है, साथ ही इनका झुनका भाकर का प्रिपरेशन भी देखा है। तो आप वीडियो आखिर तक देखिए, मज़ा आएगा। घरगुजी असते काय तिखट कसुरी मिरची हळद धनिया पावडर हे मिक्स करत राहा लागते सर। किती लोकांसाठी बनत आहे? 100 प्लेट। झुणका भाकर प्राइस किती आहे? 20 रुपये। हाफ दोन किलो घ्यायचं आहे। ₹20 एक भाकर, ₹60 दोन झुणका ठेचा भरता चटणी। हा बिलकुल मिक्स करायची, खूप मोठी प्रोसिजर आहे म्हटलं। तेला त्याला पाहिजे, चांगलं पाहिजे लागते ना, पाहिजे किती लोकांसाठी बनत आहे हे झुणका भाकर? 100 प्लेट। अजून किती एकाच वेळा बनते की दिवसभरात किती वेळा बनते? 2-3 सेम हेही बनते का? सेम 2-3। तुमचं टायमिंग काय आहे इथं दुकान लावायचं? 10 वाजता पासून दिवसभरात किती किलो झुणका सेल होत असेल? हो का, म्हणजे 300-400 प्लेट होत असेल। हो का, वांग्याचं भर भरीत तो एक हजार। अजून किती वर्ष झाले दुकान तुमचं इथे यायचं? 2 वर्ष झाले। हे आनंदी नाव तुमच्याही नावावर आहे का? हे स्टॉल मुलीच नाव आहे आनंदी। छान दिसत आहे, दिसायला खूप छान वाटत आहे। हे काय आहे ना, मिरचीच आहे का ते? हे हळूहळू दाट होत राहते ना अजून? थोडं पाणी करायला लागतं। आपल्या झुणका भाकर झुणका तर एकदम परफेक्ट वाटत आहे, म्हणजे दिसायला तर असं वाटत आहे खायची इच्छा होत आहे। दिसायला तर
कोथिंबीर टाकल्याने छान दिसत आहे. दोस्तों एक घंटे के मेहनत के बाद झुणका पक्के अच्छे से पक्के रेडी है. अब हम इसको ट्राई करके आपको बताएंगे कैसा है. और इतना एड्रेस का ही रवि नगर अग्रसेन भवन अमरावती रोड नागपुर. तो दोस्तों अगर आपको ऐसे झुमका भाकर टेस्ट करना है तो यहाँ पे आप जरूर जरूर आके टेस्ट करें. ये आनंदी बाई का झुमका भाकर बहुत बहुत ट्रेंडिंग है आजकल नागपुर में, तो आप जरूर आकर इनका झुमका भाकर टेस्ट करें. भाकरी बनवून ठेवता तुम्ही का मग कशा करता काही बनवून ठेवले कशाची असते भाकरी ज्वारीची. दिवसभर म्हणजे दोनशे कमीत कमी दोनशेच्या वर जाते. दोस्तों हमारी प्लेट बन रही है झुमका भाकर की. प्लेट काफी यम्मी है आप जैसे देख रहे होंगे. ये हमारी प्लेट बन के रेडी है. ये रही हमारी भाकरी, ये बैगन का भरता, ये झुमका और ये इनका यम्मी केचप इसके साथ प्याज और ये थोड़ा सा अचार बहुत यम्मी है. चलो हम इसको टेस्ट करते हैं. तो चलो हम इनका झुमका भाकर टेस्ट करते हैं. तो चलो हम सबसे पहले एक बाइट लेते हैं अपनी. ये हमने एक झुमका लिया है. झुमका बहुत यम्मी है और केवल 30 रुपए इनका प्राइस है. चलो अभी हम इसको ट्राई करते हैं. साथ में केचप भी है. सभी को एक साथ ट्राई करते हैं. चलो हम आपको बता दें इसका टेस्ट कैसा है. बहुत टेस्टी है झुमका, बहुत ही टेस्टी है. और अच्छे से ही इन्होंने झुमका बनाने के लिए कम से कम एक घंटे तक इन्होंने झुमका बनाया है, इसलिए ये बहुत ही टेस्टी है. तो आप भी ये रविनगर स्क्वायर में आकर इनका झुमका भाकर जरूर जरूर ट्राई करें. अगर आपने इसका झुमका भाकर ट्राई कर लिया है तो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल बटन प्रेस कीजिए. दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.